मेरे पास लगभग 4 साल से आ रहे हैं। हाँ जी। और 4 साल का मतलब 2017 के आसपास, 2017 से आए थे। और 2017 में जब सुनील जी मेरे पास आए थे तो इन्होंने मुझे बताया था कि लगभग 13-14 साल से, क्यों जी 13-14 साल, 2004 से 2004, मतलब वही 13-14 साल से हर दिन सुबह पहला काम इनका होता था एंटा एसिड कोई टैबलेट खाली पेट खाना, गैस की गोली जिसे आप बोलते वो लेते थे, और अगर एक दिन भी वो मिस हो जाती थी तो वो दिन इनके लिए आफत बन जाती थी, सारा दिन ये परेशान रहते। तो 4 बजे आते आते तक तो आपकी पेट का कहते हैं बैंड हो जाता, पेट में जलन और सारी चीजें, चेस्ट में जलन वगैरह शुरू हो जाती, ये शुरू हो जाती थी। तो ये मेरे पास आए थे कि क्या जिंदगी में मेरी ये टैबलेट छूट सकती है, और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि वो दवा लेते लेते भी 6 महीने में 8 महीने में एक दिन ऐसा जुड़ जाता था कि इनको चेस्ट में पेन होता था और इनको हॉस्पिटल जाके बहुत दिनों के इंजेक्शन लेना पड़ता था, दवाई के लेते लेते भी ऐसा होता था। अब 2017 से अभी तक मैंने शुरू में इनको 4-5 मेडिसिन दी, जिसमें मैंने अपना अग्नि प्रभा अर्घ दिया, दाहोसम हमारे कैप्सूल्स आते हैं जिसमें शंख भस्म कपर्दिका ये सब मिनरल्स हैं, कैल्शियम आप कह सकते हो ये सब था, अथलिव सिरप, अथाग्नि हमारी टैबलेट आती है, ये सब मैंने मेडिसिन दी इनको। 4-5 मेडिसिन मुझे 1.5 साल देनी पड़ी, और आज ये कंडीशन है कि ये एक हमारा अग्नि प्रभा अर्क जिसमें सौंफ है, इलायची है, अजवाइन है, जीरा है, और थोड़ा सा मकोए उसमें पड़ा हुआ है, और हरा पुदीना है, इसका अर्क निकलता है, और ये एक बार लेते हैं उसको और कभी नहीं भी लेते हैं। बाकी आज 4 साल से, मतलब 3 साल तो बोल सकते हैं कि आप एंटा एसिड की आपको एक दिन भी जरूरत नहीं पड़ी, और वो जो दर्द वर्द होते थे वो चले गए, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो गया, भूख आपको नहीं लगती थी वो खूब लगती है भूख, बल्कि मैडम शिकायत कर रहे हैं इनकी कि अब ये कुछ अधिक ही खाने लगे हैं, तो वो भी हम आज कम करेंगे भूख। नहीं नहीं सर, भूख ज्यादा टेंशन हो जाती है। अच्छा भूख, चलो अभी मैडम मेरे को पहले ये शिकायत कर रही थी कि भूख अधिक लगने लगी, लेकिन अब ये कह रही है तो नहीं कम करेंगे। तो मेरा केवल ये सजेशन है कि यदि आयुर्वेद का एक अर्क जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, पुदीना है, जीरा है, बड़ी इलायची है, वो एक टाइम खा के, और आप एंटा एसिड जो आज के टाइम पे पेन किलर के बाद किडनी खराब करने वाली दूसरे सबसे बड़ी मेडिसिन बन के निकल के आ रही है, जिस गैस की गोली को खा के आप खुश होते हैं कि सुबह सुबह गैस की गोली खा ली और उसके बाद दिन भर समोसे खाइए, पकौड़े खाइए, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज है, आपको जान के हैरानी होगी कि किडनी खराब करने में पेन किलर के बाद सबसे अधिक जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन निकल के आ रही है वो एंटा एसिड है। तो उस एंटा एसिड को एंजॉय करना छोड़िए, आयुर्वेद पे आइए। ये केवल क्योंकि 15-16 साल इन्होंने एंटा एसिड खाया तो इसलिए ये अग्नि प्रभा अर्क से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अब इनको अग्नि प्रभा अर्क की भी आवश्यकता नहीं है। कभी ईश्वर ना करे कहीं पार्टी वार्टी से आए तो उस दिन अगर जरूरत पड़े तो पी सकते हैं, वो नेचुरल चीज है। तो इसलिए जो है आप प्लीज वो गैस की गोली या एंटा एसिड जो सुबह लेते हैं उनको छोड़ करके आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के, पहले हो सकता है 1-1.5 साल, क्योंकि आपने लंबे समय तक एंटा एसिड लिया है तो हो सकता है 1.5 साल आपको 4-4 मेडिसिन खानी पड़े, लेकिन उसके बाद जो है आप जैसे हमारे सुनील जी बैठे हैं, एक मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं लेते हैं तब भी ठीक रहते हैं, बीच में जो वो हॉस्पिटल जाने वाला काम है वो सब बंद हो गया और साइड इफेक्ट से भी बच गए। तो प्लीज अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद को अपने घरेलू किचन की चीजों पे विश्वास करना शुरू कीजिए, ये आपको डेफिनेटली खूब लाभ पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।